तिजारा के शंकरगढ़ आश्रम में किया गया भंडारे का आयोजन, भक्तों की लगी भीड़। टपुकड़ा पुलिस ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी पति मुश्ताक को किया गिरफ्तार। काबुल के एयरपोर्ट रनवे पर चले तालिबानी, अमेरिका के साथ अच्छे राजनयिक संबंध बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कल से प्रदेश में प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले सिंगराज अधाना को बधाई दी। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। राजस्थान के नागौर में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए 14 दिन का समय मांगा है। कर्नाटक में अडुगोड़ी पुलिस स्टेशन के मुताबिक बेंगलुरु में कोरमंगला इलाके में कार एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई। नागौर जिले में आज सुबह श्री बालाजी कस्बे के पास एक क्रूजर और एक ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर की एक लड़की फंसी अफगानिस्तान में, पीएम नरेंद्र मोदी से उसकी मां ने लगाई गुहार। हम यही के ये उन्नाव जिला, मतलब यहाँ रहते हैं। अरे अपनी लड़की के लिए कि हमारी बेटी आ जाए, रोती है वहाँ। अफगानिस्तान में अब वो जो है वहाँ काम करती थी मुंबई में, वहाँ से उसका इलेक्शन हो गया है, वो लेके चला गया। शादी करके ले गया था, कैसे ले गया था? अब ये बताता था कि हमने शादी कर लिया। कितने दिन हो गए गए हुए? 2013 में गई है। अब क्या कह रहे हैं, क्या फोन आया, क्या जानकारी हुई आपको? जानकारी ये हुई कि हमारी बेटी को जो है वो वहाँ छोड़ दिया, कह रहा है यहाँ नहीं लेके आएंगे। बेटी से बात हो रही है आपकी? हाँ बात होती है। बेटी ये कहती है कि हमको बुला लो, परेशान है। अब अफगानिस्तान ही मालूम है हमको कि अफगानिस्तान ले गए हैं बस। बेटी का फोन आया, बेटी क्या कह रही है? बेटी रोती है कि हमको बुला लो। तिजारा के विधायक संदीप यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिवाड़ी में किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन समारोह। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।